भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन अब नए लुक में रेल की पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। 22 जून से LHB कोच के साथ डेक्कन क्वीन का सफर मुसाफिरों को नए एहसास से रूबरू कराएगा। पुणे से मुंबई के बीच चलने वाली डेक्कन क्वीन ने अपनी सालगिरह के 92 साल पूरे कर लिए हैं। डेक्कन क्वीन की शुरुआत 1 जून 1930 को 7 कोच के साथ शुरू हुई थी। इस समय डेक्कन क्वीन 17 डिब्बों के साथ चलती है। ये ट्रेन 1 जून 1930 को प्रारंभ हुई थी और उस समय ये सेवा खाली 7 कोच के साथ में प्रारंभ की गई थी और उसके बाद में समय के साथ इसमें चेंजेस हुए और इसमें कोचेस की संख्या बढ़ी। बाद में इसमें पहले ये वैक्यूम ब्रेक ट्रेन थी, 90s में आकर के इसमें एयर ब्रेक ट्रेन एयर ब्रेक कोचेस लगाए गए। डेक्कन क्वीन का नया लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है। नए LHB कोच के साथ डेक्कन क्वीन में स्पेशल कोच डिजाइन किए गए हैं। डेक्कन क्वीन में एक विस्टा डोम कोच भी जोड़ा गया है। यह कोच अंदर से प्लेन में बैठने जैसा अनुभव देता है। डेक्कन क्वीन पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें इकलौता रेस्तरां कार है। यह लोगों को काफी पसंद आता है। इस ट्रेन के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में विशेषकर डेक्कन क्वीन के लिए स्पेशल कोचेस डिजाइन किए गए हैं, जो कि बिकॉज ऑफ जो इसकी पॉपुलरिटी की वजह से और जो इतनी लोकप्रिय ट्रेन है, ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी और ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है भारत में जिसमें की रेस्टोरेंट कार चलती है। डेक्कन क्वीन पहली लग्जरी ट्रेन थी जिसने मुंबई और पुणे के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और सामाजिक संबंधों में बहुत बड़ा योगदान दिया। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से डेक्कन क्वीन के LHB कोच मुंबई पहुंचा दिए गए हैं। जाहिर है पिछले 92 साल से जारी डेक्कन क्वीन का सफर अब 22 जून को नए लुक के साथ शुरू होगा, तो मुंबई से पुणे के बीच एक बार फिर नए एहसास जाग उठेंगे।